नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बॉलीवुड की खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बॉलीवुड से जुड़ी आज की टॉप खबरों को। जानवी कपूर ने रोमांस और डेटिंग पर की बात। जानवी कपूर ने करीना से उनके चैट शो व्हाट विमेन वांट पर खुलकर बात की है। यहां तक कि जानवी ने लव और डेटिंग को भी लेकर उनसे ढेर सारी बात की है। करीना ने आगे पूछा कि यदि बात रोमांस और डेटिंग की करे तो क्या उन्हें लगता है कि उनकी पीढ़ी खुशकिस्मत है और उनके पास इतने सारे विकल्प हैं, या फिर ये बुरी बातें हैं। जानवी ने कहा, यह अच्छा है, लेकिन मैं कभी ऐसे किसी डेटिंग ऐप पर नहीं गई हूं, इसलिए मुझे इसके फायदों के बारे में नहीं पता है। एक साथ दो गब्बर। शिखर धवन ने अक्षय कुमार के साथ शेयर की सेल्फी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों जैसलमेर में अपनी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग कर रहे हैं। अक्षय कुमार से भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने इसी दौरान मुलाकात की है। शिखर धवन ने इस मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दोनों की यह सेल्फी जमकर वायरल हो रही है, जिसे फैंस देखकर बोल रहे हैं एक साथ दो गब्बर। शिखर धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर भी शेयर की है और लिखा है, आपसे मिलना हमेशा मजेदार होता है पाजी, मुलाकात बढ़िया रही। निक जोनस ने कहा, परिवार बड़ा करने का प्लान है। अमेरिकी पॉप स्टार निक जोनस और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की शादी 2 साल पहले हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस सुपरस्टार कपल के फैंस हैं, जिन्हें बेसब्री से इनके परिवार में गुड न्यूज का इंतजार है। इसी बीच निक जोनस ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। निक ने eonline.com के साथ बातचीत में बच्चों के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि यह एक खूबसूरत यात्रा होने जा रही है और मैं ढेर सारे बच्चों की उम्मीद करता हूं। दिशा पाटनी ने सफेद रंग की बिकनी में बढ़ाया तापमान। दिशा पाटनी इस फोटो में हॉलिडे के दौरान की गई मस्ती और समंदर किनारे को मिस कर रही है। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, मिसिंग द सी। दिशा सफेद रंग की बिकनी में बेहद हॉट और ग्लैमरस लुक में नजर आ रही है। इस फोटो को अब तक 13 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। दिशा पाटनी के हॉट लुक को देखने के बाद कृष्णा श्रॉफ ने भी कमेंट किया है। इस कमेंट में कृष्णा ने लिखा है, नेचुरल ब्यूटी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जीता फैंस का दिल, वीडियो हुआ वायरल। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा जरूरतमंद की मदद करने की वजह से चर्चा में है। दरअसल हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा को मुंबई में स्पॉट किया गया। इस दौरान उन्होंने फोटोग्राफर्स के साथ पोज देते हुए तस्वीरें भी खिंचवाई। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर उस समय काफी तारीफ बटोरी जब उन्होंने फोटो खिंचवाने के बाद एक जरूरतमंद शख्स को पैसे देकर उसकी मदद की। पैसे देते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शादी के बाद पहली बार अकेली नजर आए नताशा दलाल, साथ नहीं थे पति वरुण धवन। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी की है। दोनों ने अलीबाग में कुछ रिश्तेदारों और खास दोस्तों के साथ सात फेरे लिए हैं। वरुण और नताशा के ये शादी काफी सुर्खियों में रही है। वरुण धवन की पत्नी नताशा दलाल को मंगलवार को मुंबई में स्पॉट किया गया। शादी के बाद पहली बार नताशा को देखा गया। इस दौरान वो अकेले नजर आई, उनके साथ वरुण नहीं थे। इस दौरान ही नताशा की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में वो कार से उतरते हुए दिख रही है। OTT प्लेटफॉर्म ने करोड़ों में खरीदा आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई कटियाबाड़ी। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके रिलीज के बाद फिल्म के डिजिटल राइट्स OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं। नेटफ्लिक्स ने फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए भारी भड़कम राशि खर्च की है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार गंगूबाई काठियावाड़ी के पोस्ट रिलीज डिजिटल राइट्स OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 70 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। नेहा कक्कड़ फैंस से लुक्स को लेकर पूछा सवाल, कहा, क्या मैं ज्यादा खेलने लगी हूँ। सिंगर नेहा कक्कड़ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनके लुक की और स्टाइल की भी काफी तारीफ होती रहती है। शो में आए दिन एक्ट्रेस एक से बढ़कर एक लुक में नजर आ रही है। नेहा कक्कड़ ने अपने कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा, टीम इंडियन ऑयल कहती है, हमारी जज साहिबा नेहू दाव्या के बाद ज्यादा खेलने लगी है, ज्यादा ग्लो करने लगी है, सच है क्या? उनके इस सवाल पर उनके फैंस खूब कॉमेंट भी कर रहे हैं। खिड़की पर बैठ ली ऐसी अंगड़ाई, मोनालिसा की तस्वीर हुई वायरल। मोनालिसा हमेशा अपनी अदाओं से लोगों को घायल करने के लिए जानी जाती है। मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और आए दिन अपने काम के साथ अपने नए नए लुक्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अब मोनालिसा का लेटेस्ट साड़ी अवतार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। देखिए तस्वीरें जिसमें मोनालिसा खिड़की पर बैठकर पोज देती हुई नजर आ रही है। रणवीर सिंह के लग्जरी कार कलेक्शन में शामिल है लैम्बोर्गिनी से लेकर एस्टन मार्टिन जैसी कारें। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह बेहद कम समय में अपनी प्रतिभा से फिल्म
इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। बेहतरीन अभिनय के चलते रणवीर सिंह हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन चुके हैं। प्रीमियम क्वालिटी की लाइफस्टाइल कैरी करने वाले रणवीर लग्जरी कारों के भी खूब शौकीन है। रणवीर के पास करोड़ों रुपए की एक नहीं बल्कि कई सारी प्रीमियम क्लास की लग्जरी कारें हैं। आइए एक नजर डालते हैं रणवीर के कार कलेक्शन पर। ये हिट फिल्में ना छोड़ी होती तो शाहरुख को टक्कर दे रहे होते नवाब सैफ अली खान। सैफ अली खान भले ही फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों ताबड़तोड़ फिल्में कर रहे हैं, लेकिन उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। दिल चाहता है सलाम नमस्ते और हम तुम जैसी हिट फिल्में दे चुके सैफ अली खान ने आइकॉनिक मूवी कही जाने वाली दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक्टिंग के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। वहीं इस फिल्म में एक्टिंग से शाहरुख खान स्टारडम की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म में लीड रोल के लिए सबसे पहले हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज को ऑफर दिया गया था। पॉप सिंगर रिहाना पर भड़की कंगना, ये आतंकवादी है इसीलिए कोई नहीं कर रहा बात। जब रिहाना को भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन के बारे में पता चला तो वो भी चुप नहीं रह सके। रिहाना ने खबर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना का ट्वीट देख कंगना भड़क पड़ी और उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया और कहा कि इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाह रहे हैं ताकि चीन जैसे देश हमारे राष्ट्र पर कब्जा जमा ले और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दे। तुम शांत बैठो बेवकूफ, हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है जो अपने देश को बेच दे। विकी कौशल के लिए समोसा और जलेबी लेकर एयरपोर्ट पहुंच गई ये फैन। विकी कौशल आज जब एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे तब उन्हें एक ऐसी फैन मिली जो एयरपोर्ट पर उनके ये समोसा और जलेबी लेकर आई। विकी फैन के इस प्यार से काफी गदगद हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैन द्वारा लाए समोसा का आनंद लेते हुए एक फोटो शेयर किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, कहा था नहीं खा पाऊंगा पर रहा नहीं गया। आलिया भट्ट से भी कम कमाती है कैटरीना कैफ। जानी एक्ट्रेस की एक साल की इनकम कई एक्ट्रेस और एक्टर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं हो पाई, इनमें कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल है। भारत में लॉकडाउन लगने से पहले उनकी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी लेकिन लॉकडाउन के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया जिससे उनकी इनकम पर भी असर पड़ा। साल 2020 बॉलीवुड किसी भी कलाकार के लिए ठीक नहीं रहा। खैर यहां हम कैटरीना कैफ के साल 2019 की कमाई के बारे में बताने जा रहे हैं। साल 2019 में कैटरीना ने 23.63 करोड़ रुपए की इनकम हासिल की। ये इनकम फिल्म भारत जीरो और रीबॉक, ट्रॉपिकाना, लेंसकार्ट, मेट्रोज शू और ओप्पो जैसे ब्रांड के लिए विज्ञापन करने से हुई है। एक वक्त वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन को जड़ दिया था थप्पड़। अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज 83वां जन्मदिन मना रही है। वहीदा रहमान ने फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग के बारे में बताया जिसमें एक सीन के वक्त उन्हें बिग बी को थप्पड़ मारना था। वहीदा ने कहा था कि मैंने अमिताभ से मजाक में कहा था कि कस के लगाने वाली हूं आपको थप्पड़ और शूट के वक्त सच में उन्हें जोर से थप्पड़ पड़ गया। कुछ समय पहले वहीदा रहमान टीवी कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में भी आई थी। इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ शूटिंग का यह किस्सा बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार 90 के दशक में सबसे लोकप्रिय कलाकार कौन थे या कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।